अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के न्यू फीचर के बारे में जो अभी रिसेंटली आज ही लॉन्च हुआ है, रिमूवल्स। तो ये जो गूगल का पुराना गूगल वेब मास्टर का टूल था, रिमूवल टूल, उसकी अपग्रेड है। तो इसमें गूगल ने तीन न्यू सेक्शंस बनाए हैं, टेम्परेरी रिमूवल्स, आउटडेटेड कंटेंट और सर्च फिल्टरिंग। तो ये वो सेक्शन है जिसके अंदर जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे वो शो होगा कंटेंट रिमूवल के लिए, और आउटडेटेड जो एक्सपायर हो जाएं, गूगल जो है वो कुछ देर बाद एक्सपायर कर देता है इनको, 6 मंथ लगभग। उसके बाद ये सेव सर्च फिल्टरिंग, अगर आपका कोई यूआरएल है या जिस पे कोई ऐसा कंटेंट है जो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब आम लोगों के लिए नहीं है, यानी कि बच्चों वगैरह के लिए नहीं है, तो वो लोग रिपोर्ट करेंगे कि ये सेव सर्च में नहीं शो होना चाहिए, तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हम एक लिंक इसके अंदर ऐड करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यूआरएल है, तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमें बता रहे हैं कि ये यूआरएल जो है, इसकी 4 वेरिएशन जो हैं वो 6 मंथ के लिए ब्लॉक हो जाएंगी। तो हम सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमने पूरी एक डायरेक्टरी को रिमूव करना हो, तो हम यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या डायरेक्टरी हैं जिनके यूआरएल में प्रोडक्ट आ रहा है, वो सारी रिमूव हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये वो पेजेस हैं, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ये केच का, इसमें ये होगा कि गूगल के पास जो आपके पेज की ओल्ड केच है वो गूगल रिमूव कर देगा, और जब तक न्यू क्रॉल नहीं होता तब तक वो रिमूव रहेगी। जब वो न्यू क्रॉल करेगा गूगल, तो वो न्यू केच फेच कर लेगा। अगर केच के बारे में आप नहीं जानते तो वो भी मैं आपको बता दूं। केच ये होती है, तो ये केच है मेरी वेबसाइट की। अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल रिमूव कर दे से, तो फिर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल इसके अंदर एंटर करके तो सबमिट कर दूंगा। अगर पूरी एक डायरेक्टरी की केच रिमूव करनी हो, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये एक्सपायर हो जाएंगी 6 मंथ बाद, तो ये इस सेक्शन में आ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको इस न्यू फीचर की समझ आ गई होगी। वीडियो